questions. Alright. Well, titles होते हैं ये सपनों की छलांग, लोगों के अंदर बहुत सारे questions आ रहे होंगे. Right. आपको जानना चाहिए आपके किरदार के बारे में साथ ही इस title के बारे में. सपनों की छलांग है हमारे शो का नाम. तो जाहिर सी बात है कि हम हर इंसान के अंदर वो जो एक सपना होता है जो उसे पूरा करना होता है जिससे उसे उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है वो शो उसी पर आधार है. और हमारा जो कैरेक्टर है राधिका यादव एक सिंपल सी लड़की है, झांसी से बिलोंग करती है, एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है. प्यार से सब उसे गुड्डी बुलाते हैं घर पे क्योंकि वो है ही प्यारी सी छोटी सी. और बहुत लोग उसे ढीठ पटिंगा भी बुलाते हैं क्योंकि बहुत ढीठ है. जो चीज़ें वो ठान लेती है वो अचीव करके ही रहती है. तो ये जो राधिका का पैशन है इंजीनियरिंग का, जो उसे बड़ी कंपनी में मुंबई में जाके पूरा करना है, तो इसी छलांग के बारे में है ये कहानी कि कैसे झांसी से मुंबई तक की छलांग मार के राधिका जाती है अपने सपने पूरे करने के लिए. साथ ही जब मेघा को मालूम पड़ा कि उनको ऐसा कोई किरदार निभाना है तो उनका रिएक्शन क्या था इसमें? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हर एक एक्टर उस एक रोल के लिए, उस एक स्टोरी के लिए वेट करता है. जिसे हम अक्सर ऐसे सोचते काश ऐसा एक शो बनता, काश ऐसा एक शो बनता. और ये आई एम सो ग्रेटफुल that Nilanjana ma'am and Hiram sir have come up with such a beautiful concept. जो as an actor मुझे सुनते ही इतना excitement हो गया कि मैंने एक second के लिए भी नहीं सोचा, मुझे सुनते ही ये show करना था. So I think as Megha I am very very grateful कि ऐसी कहानी बनी है और इसका हिस्सा हूँ मैं. Shows तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन इस show में क्या कुछ ऐसी खास बात है जो लोगों को पसंद आए? आई थिंक अब तक ऐसा कोई शो मेरे नज़रिए में नहीं बना है टेलीविज़न में जैसा सपनों की छलांग है. आई थिंक हम एक टिपिकल रास्ता नहीं अपना रहे डेली सोप का. हम हर वो स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं, हम हर वो पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं जो आप देखते आ रहे हैं टेलीविज़न में. सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ कि ऑलमोस्ट हर डेली सोप में लड़की की विदाई होती है और वो जाती है अपने ससुराल, लेकिन हम यहाँ बाकायदा विदाई दिखा रहे हैं. एक लड़की अपने करियर के लिए जा रही है, विदाई सीन है जहाँ वो शादी करके नहीं जा रही है पर अपने सपने पूरे करने जा रही है. आई थिंक वो मैसेज आज के ज़माने में फिट करता है क्योंकि लड़कियाँ अब उतनी ही केपेबल है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेंट है और वो अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकती हैं जैसे लड़के करते आ रहे हैं. आई थिंक फैमिलीज़ को भी ये बात समझनी चाहिए और उन्हें सपोर्ट और इनक्रेज करना चाहिए. एंड इस शो के ज़रिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं. हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राधिका हम और तुम में ही बात करती है, मैं और तू नहीं बोलती. तू बहुत अपने क्लोज फ्रेंड्स को कह देती है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती. अब ये देखना है कैसे मुंबई आने के बाद अगर उसमें कोई असर होगा तो. लेकिन आई थिंक ढीठ पटिंगा इज़ द वर्ड दैट हैज स्टक विद मी. ये राधिका के कुछ दोस्त, कुछ उसे जानने वाले लोग बुलाते हैं क्योंकि राधिका बहुत ढीठ है. ये शो कब आ रहा है और कहाँ देखने मिलेगा? ये शो आज आ रहा है, अभी एक घंटा भी बचा नहीं है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, अभी लॉन्च होने वाला है. सो 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आज से शुरू होने वाला है सपनों की छलांग. क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, नॉट बॉर्न एग्जैक्टली बट आई एम ब्रॉट अप इन मुंबई. तो एक छोटे शहर से जब लड़की आती है मुंबई में तो वो एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं है लाइफ में. मैं घर से दूर गई नहीं हूँ कभी, हमेशा मेरी फैमिली मेरे साथ रही है. और वो एक्सपीरियंस एक्चुअली उसके डेप्थ में जाना और समझना कि कैसे एक नए जगह पे आप जब जाते हो तो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, वहाँ के लाइफस्टाइल से एडजस्ट करना, नए लोगों से एडजस्ट करना और अपने वैल्यूज़ को साथ में रखते हुए कैसे नई चीज़ें इम्बाइब करना अपने में, आई थिंक वो चीज़ों की बारीकियाँ समझने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े पर उसी में ही मज़ा है. मुझे बहुत पसंद है जब एक कैरेक्टर चैलेंज करता है मुझे. थैंक यू सो मच.
Yes, you can. Shraddha. Alma, app doctor. नहीं नहीं रखना नहीं मना करो हाइट नहीं आ रही इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड इट्स नॉट योर Of subjects that we like to do, and this was it. If you're talking about the casting, what you would like to say? One thing about my cast, if you see them on screen and you see them off screen, they're just the same. Well, what you would like to say is tell us something about your character. So my character's name is Preeti. She is a Punjabi girl, very sweet, very kind. You know, you always have that one person who has that वेरी वॉर्म पर्सनैलिटी जो आप अगर आप किसी के घर जाओ तो शी ऑलवेज बी लाइक आपको पानी चाहिए कुछ चाहिए खाना चाहिए सो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ गर्ल बट शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट बैक स्टोरी शी हैज़ बिन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अर लाइफ बट येट शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल स्माइल एंड मेक अदर स्माइल इवन दो शी इज़ हर्टिंग फ्रॉम इन साइड सो आई थिंक दैट्स वॉट द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज़ दैट शी इज़ अ वेरी strong girl but she has made sure that no one else is being harmed because of her or whatever her past situations are and if as you see the episodes you'll know what she has been through and I'm sure there are a lot of females out there who are going through such situations and they try to seek out help but there are times when you don't know what to do so Preeti is in that sort of a position but she comes out of it and she is a very strong woman I feel so yeah that's what Preeti is See, I roam about a lot and then I realize that wherever you go in India, everybody's ultimate aim is to come to Mumbai. Most of them, I would say majority. So it's that chalang you need to take from wherever you are to Mumbai. And this is all about that. Are we going to see all that Mumbai language in this? Everything, yes, yes, yes. So we had a talk to her. She was like, हाँ ऑब्वियसली सो वंस यू इन मुंबई वो हमसे अरे अपन वहाँ चलते हैं हमसे कुछ और ही हो जाता है एंड यू नो जब आप चार लड़कियाँ या तो चार दोस्त एक घर में रहते हैं तो अगर किसी दिन बाई नहीं आई तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है या तो जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होते हैं अरे दैट बॉय इज़ नॉट गुड ही इज़ सो क्यूट नेबर कितना अच्छा है यू नो द नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशंस गर्ल्स हैव अबाउट एवरी थिंग दैट इज़ ऑल देयर इन द शो देयर इज़ नो एडेड ड्रामा देयर इज़ नो सच थिंग एज अननेसेसरी drama that is being added over here. It is so pure, so real that just the conversations we are having right now are the exact same conversations that you'll see in the show. And that's what I like the most about the shows being created by Hiram sir and Nilanjana ma'am obviously. I was there in Dhadkan as well. That was also an experience of my lifetime and they have trusted me again with Preeti. So I feel great and it is always a good thing for an actor that you get to play different characters and Preeti is a different character out of all. Because of her story, because of her lifestyle and everything. So I am very happy that I get to play this character. And I hope I do a little bit justice to her. So yeah. See, family, not so much because family is Mumbai based. But most of my friends all over India, they were so excited about it. And let's hope the show does well enough with it the will, DRP. It will, for so sure. It will. People were excited about it. Fan pages, correct. See, we have got good comments after watching it. As of now, fan clubs and all. I haven't seen yet but there are good. There will be. Yeah, we are sure once the show releases, you eventually gain that sort of a
फैंडम हो व्हाटएवर इट इज़, बट व्हाटएवर लाइक व्हाटएवर जितना भी मैंने प्रोमो बताया लोगों को, एवरीवन वाज लाइक ओ दिस इज़ सो डिफरेंट, सो यूनिक, फोर गर्ल्स लिविंग इन द हाउस, स्ट्रगलिंग, हैविंग देयर बैटल्स, इट इज़ जेन्युइनली सच अ शो दैट कैन बी रिलेटेड टू एवरी अदर रूममेट, एवरी अदर गर्ल हु इज़ ट्राइंग टू यू नो हैव दैट छलांग इन हर लाइफ टू गेट टू अचीव ऑल दोज थिंग्स. सो आई थिंक यार शिट मुझे यहाँ देख के बोल रहे हैं, मैं आप इतनी सुंदर हो कि आप ही पे नज़र जा रही है, वहाँ जा ही नहीं रही है. So I think you guys should definitely watch this. This show is truly based on all the other girls, all the other people who are trying to build their careers, have the chalang in their life. So it is all about you. It is not our story. It is your story. So definitely, and please watch it and let us know. And another thing, whoever has come from out of Mumbai into Mumbai is going to relate with this in a very big way. 100%. The fact that you suddenly come to a railway station and see so many people at one time, and the language, and people do not have time for anything. Exactly. That's something which people are going to see in this. True, true, true. All the best. Thank you so much. Thank you so much. सपनों की छलांग इज़ लिटरली सब योर ड्रीम्स कम ट्रू, राइट? तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है. मेरी पैरेंट्स एनर्जी स्टबर्न आउट ऑफ विटी ह्यूमरस, उसको जस्ट लाइक मी शी इज़ वेरी इन टू एस्थेटिक्स एंड वाइब्स, और अच्छी वाइब्स उसको पसंद है, थिंग्स एंड पीपल अलाइक. कुछ गलत होता है तो बोलने के लिए वो कतराती नहीं है, एंड इट्स जस्ट फन. वो ह्यूमरस है, किसी से नहीं डरती है, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत करेगी, कुछ भी हो जाए अपने फ्रेंड्स के लिए डटी रहेगी, किसी से भी बोलना पड़ेगा शी विल फाइट बैक, शी विल से समथिंग. इट्स जस्ट दैट इट्स अ फन कैरेक्टर. और मुझे ऐसा लगता है कि डेली सोप पे ऐसा हमारे जैसे यूथ के लिए, जनरेशन के लिए ऐसे कैरेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है. वेल करेक्शन, मैं कोरियोग्राफी छोड़ के नहीं आई हूँ एक्ट्रेस बनने, मैं दोनों एक साथ कर रही हूँ और मैं करना चाहूँगी. अब अपने छोटी के साथ मेरा पुराना रिश्ता है. आई इंडियाज बेस्ट डांसर में मैं पहले कंटेस्टेंट थी, फिर कोरियोग्राफर बनी, उसके बाद अभी सपनों का छलांग आ रहा है. सो इट्स लिटरली सपनों की छलांग. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू डूइंग डांसिंग एंड एक्टिंग टुगेदर, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर फॉर्म्स ऑफ आर्ट. एंड जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बात करते करते ऐसे ही करती रहती हूँ. तो वो छूटेगा नहीं. आई एम अ डांसर फर्स्ट एंड देन एन एक्टर. बहुत चैलेंजिंग लगा है, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो फॉर द कैरेक्टर मुझे बहुत करना पड़ा है, बिकॉज माई कैरेक्टर इज़ वेरी गुड इन गुड विद हिंदी एंड उर्दू. तो मैं तीन लैंग्वेजेस के साथ इधर से उधर आई एम जगलिंग बिटवीन थ्री लैंग्वेजेस अलाइक. मैं बंगाली में बात कर रही हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ. तो वो चैलेंजिंग हो
भी आए थोड़ा सा और एक दूसरे के साथ बात करते वक्त भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सबके बैकग्राउंड्स अलग है, कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड्स अलग है. इट्स डिफिकल्ट बट इट्स सो मच फन. As we say, the punchline never very much. We got a character. Yeah, yeah. আমি শুধু এটাই বলতে চাইবো যে বাঙালিদের জন্য এটা বিশাল বড় একটা লিপ. क्योंकि मैं इतने सारे सीन्स करती हूँ ना बंगाली में, ऐसा शायद कभी देखने नहीं मिला है ऐसे मेन स्ट्रीम नेशनल टेलीविजन पे. सो दैट्स अ विन. और आई एम प्रीटी श्योर कि जो बंगालीज देख रहे हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उनको भी अच्छा लगेगा देख के कि इट्स ओके, इट्स फाइन टू बी यू. अगर ऑफ स्क्रीन मोमेंट पूछा जाए तो अब तक कितनों को डांस सिखाया है? बहुत जनों को सिखाया है. अमंग द प्रोमिनेंट वंस हेमा मालिनी, जैकलिन फर्नांडिस, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर एंड द लाइक्स. मैं टूर करती हूँ, आई टूर द वर्ल्ड डूइंग म्यूजिकल प्रोडक्शंस. तो अभी नोरा के साथ शायद मैं आईफा करने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ. इट्स आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दैट बट हाँ, काफ़ी लोगों के साथ बातचीत होती रहती है, काम कर किया जाता है. सो इट्स फन. Well, to my viewers, you have seen me as a dancer all this while. You'll see me as an actor now. I just hope I can do justice. मैं कोशिश करूँगी अपना, मैं अपना पूरा पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, so that I can deliver my character. Give me wishes, give me love, and we are coming. Thank you. Thank you so much. खुशी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं रात को सोया नहीं हुआ सोच के कि कल से नया शुरू हो रहा है, तो हर एक चीज़ की एक्साइटमेंट रहती है. तो आज मैं वैसे ही उस हिसाब से बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं नेचुरली भी बड़ा एनर्जी में रहता हूँ, और समय की वो कुछ नया हो रहा है, कुछ नया, तो वही एनर्जी मेरे अंदर बिल्डअप हो रही है. तो वो टेलीकास्ट हो जाएगा तो आई विल बी रियली मोस्ट सॉर्टेड. बिल्कुल. आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, किस तरीके का किरदार है? मेरा किरदार जो है वो बहुत ही टुडे गाय है. ही इज़ वेरी लिबरल. मतलब जैसे लड़कों की यूजली पर्सनालिटी होती है, उनके एंटायरली डिफरेंट है. एंड राधिका अपने जीवन में जैसे लड़के देख के आई है उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है. ही इज़ वेरी फन लविंग, ही इज़ वेरी फ्री, एंड बहुत लिबर्टीज़ हैं इसकी लाइफ में. गोल्स भी हैं, बट ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ वुमेन. तो उस हिसाब का कैरेक्टर है. माई रिएक्शन वॉज दैट कि ओ माई गॉड, ये बहुत टाइम बाद मैं एक ऐसा शो सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ जो टीवी शो जैसा लग नहीं रहा है. इट इज़ वेरी लिबरल इन मेरी वेज. उसमें जो सीन्स हैं उनमें भी हम यूजली जो टीवीज में ड्रामा देखते आ रहे हैं उससे बहुत अलग है. बहुत ही रियल लाइफ ड्रामा है जो हम आज की जनरेशन फेस कर रही है. तो वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आया कि इट इज़ वेरी यू नो क्या बोलते हैं, जो लोग जिससे ज़्यादा रिलेट कर पाए, स्पेशली हमारी जनरेशन जिससे रिलेट कर पाए. तो ये बहुत वैसा शो है, तो मैं बहुत खुश हुआ वो पढ़ के. दिस इज़ समथिंग न्यू. मैं दूसरे जो बहुत कॉर्डियल हैं मेरे साथ, वो लोग बहुत मेरा सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो हैप्पी दैट मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और भी कर रहा हूँ. तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ही हेल्पफुल है इस मामले में. तो दे डोंट स्टॉप एनीवन फ्रॉम एनीथिंग. वो भी इसी में सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैनेज करना थोड़ा सा अभी थोड़ा मुश्किल होगा, बट विद टाइम वो भी ईजी हो जाएगा. एक के साथ एक और सरप्राइज
कहते हैं ना, या 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 दे वर सुपर एक्साइटेड एंड लकीली एवरी, मतलब उस शो के भी जो मेरे फैंस हैं वो भी शो को फॉलो करने वाले हैं, वो भी शो के लिए एडिट्स बना रहे हैं, तो दैट इज़ वन बिग थिंग फॉर मी. अदरवाइज यूजली होता है कि अरे नहीं ये तो इसके साथ है और अभी इसको स्क्रीन पे डेट करेगा या ये करेगा, तो वो बहुत इश्यूज होते हैं. वैसा क्लैश अभी तक नहीं आया कहीं भी. एवरी वन इज़ हैप्पी बोथ शोज. इनफैक्ट जो मेरे इससे पहले के सारे शोज हैं वो लोग भी अभी तक फैन पेजेस एडिट्स बना रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ. One of the best compliment from friends and family. Regarding this show or कैसा? Yeah, regarding the show. सबसे बड़ा compliment I believe ये होगा कि मेरे लिए पहला मेरा lead show है. So yeah, वो मेरे लिए बड़ा होगा कि finally तू इंडिया बनने जा रहा है. तो that was the biggest compliment because ये सुनने के लिए मैंने बहुत साल wait किया. Yes, I'm happy. हमने देखा कि आप बहुत सारा character. Yes. आपका character? मेरा कैरेक्टर है ही इज़ दी कामेस्ट पर्सन. बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट मेरा पहला दिन ऐसा था कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरा पहला दिन है. हम लोग इतने अपने कैरेक्टर में ऑलरेडी थे. आई थिंक जो हमारी कास्टिंग हुई है वो समवेयर हमारे रियल कैरेक्टर से थोड़े थोड़े रिलेटेड है, क्योंकि मुझे भी उस कैरेक्टर में ढलने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई ना. और लोग भी हैं जो वो इतना बखूबी कर रहे हैं उस कैरेक्टर को कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन अलग है. इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर इन रियल लाइफ. आपने ऐसा स्पेशल सीखा इस सीजन में? इस उसमें हाँ, एक फ़र्क ये है कि इस शो में थोड़ा ज़्यादा रियलिज्म है, तो जैसा हमारी टीवी वाली एक्टिंग है उसको थोड़ा कट करके मुझे थोड़ा रियलिस्टिक जो करना पड़ता है, क्योंकि एक अरसे से जब आप काम कर रहे हो तो आपकी एक रिदम बन जाती है कि हाँ हमें ये एक्सप्रेशन देना है, ये करना है. बट जब आप रियल जोन में आते हो तो थोड़ा सा आपके लिए फ़र्क हो जाता है. तो यस, उस पर थोड़ा काम किया है मैंने. जैसा आपने कहा कि आपका शांत स्वभाव था, रियल लाइफ में भी क्या? बहुत 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 शांत हूँ मैं. मुझे लड़ना झगड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं है. आई एम वन ऑफ दोस पीपल की अगर कहीं लड़ाई हो रही होगी तो मैं जाके सॉर्ट करूँगा यार यार लड़ क्यों रहे हो, बात करते हैं ना, चलिए करते हैं, क्या करना है, वहाँ चल के बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं. सो आई एम वन ऑफ दोस पर्सन. तो मैं इस चीज़ से बहुत रिलेट करता हूँ अपने कैरेक्टर से, बहुत सिमिलर है. जल्दी कनेक्ट हो जाते होगी आपके साथ. बहुत 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 ईजी. ऑल द व्यूअर्स इज प्लीज़ गिव अस लोड्स ऑफ लव. प्लीज़ इसको आप रोज़ देखो, बार बार देखो, जिसको सुनो उसको बताओ कि ये शो देखें, बिकॉज वी विल नीड ऑल द लव वी कैन एंड ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल द पीपल. सो या दैट्स व्हाट आई वांट टू से. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
Thank you.